हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार में। दोस्तों, ये रेडमी का फ़ोन है और रेडमी के फ़ोन में अचानक से आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे आपका अचानक टच काम करना बंद कर दे, अचानक आपके डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाए, अचानक आपका माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर दे, अचानक आपका मोबाइल हैंग हो जाए, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देख लीजिए, अचानक हमारा जो है टच काम करना बंद कर दिया है। तो ऐसा अधिकतर प्रॉब्लम उस फ़ोन में आता है जिसका डिस्प्ले चेंज होता है, उसमें अधिकतर ये प्रॉब्लम आता है कि उसका जो है अचानक टच काम करना बंद कर देता है, या अचानक कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्प्ले पर ग्राफिक आना बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपने मोबाइल को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके देख लेना है। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, केवल पावर बटन को लगभग 10 से 15 सेकंड तक लगातार प्रेस करके आपको रखना है, तो उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम यदि रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपका टच काम करना बंद कर दिया, या अचानक आपका डिस्प्ले पर ग्राफिक आना बंद हो गया, या आपका माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर दिया, अचानक से मोबाइल में आपके कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। रिबूट और रिस्टार्ट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, हो सकता है इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये हमारा फ़ोन थोड़े टाइम में ऑन होने वाला है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन का टच काम करता है या नहीं करता है। तो पहले हमारे फ़ोन का टच नहीं काम करता था, अब आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए हमारे फ़ोन का है जो है टच काम करना शुरू कर दिया है। तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कि अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।